दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सोनू वर्मा और मैं आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सकेवेटर मशीन कैसे चलाते हैं या पोपलेन मशीन बोलते हैं इसको, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने पास है सुपर एक्स मशीन, ये देख सकते हैं कोबेल्को 140 सुपर एक्स। तो इसके मैं कुछ खास फीचर बताऊंगा, या जैसे कि नए कोई ऑपरेटर आता है या नए जो हेल्पर आता है सीखने के लिए, उसको काफ़ी दिक्कत होती है भी, कुछ है कि बातें जो ऑपरेटर नहीं बताता है। तो मैं आज आपको वो बातें बताऊंगा कि कैसे क्या होता है और कैसे मशीन को ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो बने रहिए दोस्तों अपनी वीडियो के साथ में। तो देखिए दोस्तों, पहले तो पूरी मशीन में देखिए पर्दे लगा रखे हैं और फुल स्टीरियो लगा रखा है, आप देख सकते हैं कितनी धूप है बाहर। इतनी धूप में भी मशीन बिल्कुल ठंडी है। को हटा देते हैं। दोस्तों पहले अपने पास ये चाबी होनी चाहिए स्मार्ट की, और ये है इसका इग्निशन स्विच, ये ऑन, आप देख सकते हैं कोबेल्को। ठीक है, और ये एसी का है। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। मशीन स्टार्ट हो चुकी है अपनी, और ये अपना हाइड्रोलिक लीवर है। ये सब मशीनों में अलग अलग होता है, किसी में कैसे होता है किसी में कैसे ही होता है, अपनी वाली में ये ऐसा है, ये ऐसा। ये अब मशीन का हाइड्रोलिक लीवर है, ये इसको ऊपर कर दिया तो अब कुछ काम नहीं करता, और ये नीचे करने पर सब कुछ काम करेगा, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेशर है, ये बूम कंट्रोल और चैन कंट्रोल। ये दो लीवर है, एक ये वाला और एक ये वाला। वैसे सब मशीन 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री की रोटेशन होती है, पर चैन की रोटेशन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हो कि चैन नहीं घूम रही है, मशीन घूम रही है ऊपर से। इसको घुमाने के लिए हमें 45 डिग्री पर अपना बॉकेट रखना पड़ेगा, जैसे भी चीज चैन को जिस दिशा में घुमाना है उस दिशा में 45 डिग्री पर हम बॉकेट रखेंगे। बॉकेट रखने बाद में उसको हम दबाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा दबाकर, और एक चैन को पीछे एक चैन को आगे की तरह घुमाएंगे, साथ में रोटेशन देंगे मशीन को। आप देख सकते हैं चैन घूम रही है, चैन की दिशा चेंज हो गई, ये आप देख सकते हैं। हमने बॉकेट उठाया, पहले इस तरफ थी मशीन, अब ये चैन की देख लो इस तरफ हो गई है। ये कोई हेल्पर को नहीं बताता है, हेल्पर खुद ही सीखता है, आप देख सकते हैं। और वापस मशीन को उसी दिशा में घुमाने के लिए, मशीन की चैन उसी दिशा में करने के लिए, हम वापस बॉकेट को नीचे दबाएंगे, दबाने के बाद में उल्टी दिशा में चैन को क्रोलिंग करवाएंगे। ये देखो आप, ये घूम रही है, अभी आप देखो चैन की दिशा इस तरफ हो गई। और दोस्तों मशीन को बंद करते समय हमेशा बूम डिपर को पूरा खोल के, पूरा खोल दिया है, देख सकते हो ऐसे पूरा खोल के ऐसे टिकाने गए, जिससे कि हमारे जो पिस्टन है और जो ट्यूब है सिलेंडर है कंप्लीट, उसमें से पूरा का पूरा जो हाइड्रोलिक होता है वो अपने टैंक में वापस चला जाए। इसमें थोड़ा बहुत बचता है, जैसे अंदर होगा तो पूरा हाइड्रोलिक टैंक में होगा, और जैसे कि ये रोड है, इस रोड पे भी कम से कम बाहर की तरफ होगा तो बाहर ही जो नुकसान होने की है वो कम हो जाएगा। तो
देखा दोस्तों ये एक्सकेवेटर मशीन कैसे चलाते हैं, और अगर आपको इसके अलावा भी और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।